अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह इस तरह के डीजी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आप लोग जो ऑनलाइन हुए हैं उनको सिलेबस का पता पहले ही है, और जो ऑफलाइन पर थे उनको तकरीबन मैं बता चुका हूँ। तो सिलेबस पैटर्न जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू 20 मार्क्स के लिए रहता है फर्स्ट लैंग्वेज, और इंग्लिश या कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज 30 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद पेडागॉजी 30 नंबर के लिए होता है। उसके बाद आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट 60 नंबर से, साइंस है, सोशल है, पेपर फर्स्ट के लिए साइंस और मैथ्स ये 60 नंबर के लिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये उर्दू के 30 मार्क्स में क्या पेडागॉजी आता या नहीं आता ये आपसे सबसे पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। लिहाजा इसमें लैंग्वेज कोई भी हो, या उर्दू या कन्नड़ा या इंग्लिश, कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो इसे पेडागॉजी नहीं रहता है। पेडागॉजी नहीं रहता, पेडागॉजी के बदले इसमें क्या करता, तरीक़ तदरीस। ये चुप जस्ट ग्लांस कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें तरीक़ तदरीस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहले इनको छोड़कर ये 30 मार्क्स में कैसा पेपर रहता, तो सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाता आपको, एक नया पैसेज दिया जाता, हो सकता है वो सिलेबस में है या ना भी हो, इससे कोई एतराज नहीं। ये 8 से 10 नंबर तक रहता, 8 से 10 मार्क्स के लिए रहता। ये 30 मार्क्स में मजस कर रहा हूँ, 8 से 10 मार्क्स के लिए सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाता। वो पैसेज में क्या है, इसमें 6 से 7 सवाल पैसेज पर मुबनी रहती, पैसेज में वो सवाल का जवाब मिल जाता तुम्हारा, बाकी के 1, 2, 1 या 2, 3 ये तरीक़ तदरीस से या ग्रामर पर या उसी पैसेज से मुताल्लुक नित नया सवाल पूछा जाता। आप लोग के यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहली गलती ये 10 मार्क्स का पैसेज का सवाल आ गया तो 10 मार्क्स में क्यों यहाँ ढूंढ लेता वजह लिखा पैसेज में, वो पैसेज में पूरे 10 मार्क्स का रखा नहीं हो, 8 या 6 या 7 मार्क्स का रखा, बाकी का अनसीन पैसेज में। फॉर एग्जाम्पल गुज़िश्ता साल एक नाव के बारे में एक अनसीन पैसेज था किश्ती के बारे में, उसमें जवाब ही नहीं, सवाल कैसा पूछा नहीं, किश्ती चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसमें जवाब अलग अलग दिया था। उसमें क्या है, ना खुदा आकर कोई कर दिया था, वो ना खुदा सही है, ऐसे सवाल आते उसका जवाब पैसेज में नहीं होता, वो पैसेज में हमें क्या करते थे ढूंढने शुरू कर देते, वो हमारा मिलता नहीं। उसके वास्ते क्यों तो पैसेज में ढूंढने के बजाय आपकी जनरल नॉलेज पर आपका दिया हुआ आपका हासिल किया हुआ इल्म के तहत वो 2 या 3 सवालों के जवाब उसमें रहते हैं या तो ग्रामर में रहता। ओके, अब यह 10 मार्क्स क्लियर हो गए, उसके बाद और बचा 7 मार्क्स का पोएम रहता, एक पोएम देता, पोएम में क्या करता उन्हें एक नज़म देता, एक नज़म चाहे तुम्हारी सिलेबस की हो या ना हो, क्या तो चलता शेयर दे रहता, वो अशियार के तहत 4 से 5 सवाल पूछ रहता हूँ, 4 या 5 सवाल, 7 मार्क्स का रहता वो, 4 या 5 सवाल वो नज़म से रिलेटेड होते हैं, वो पैसे में मिलती है तुम्हारा, बाकी के सवाल जवाब तुम्हें मिलते नहीं, वो तरीका है तदरीस को रहती है या तो ग्रामर रहता। क्लियर, अब यहाँ 10 से 7 17 है। उसके बाद 8 मार्क्स क्या है, कंप्लीट 8 मार्क्स यहाँ पर क्या है, 8 मार्क्स का ग्रामर रहता, कंप्लीट ग्रामर, वाहिद जमा हो सकता, उसके बाद अपोजिट वर्ड्स आ सकते हैं, हो सकते, उसके बाद फेल फाइल मफूल ऐसी चीजों पर पूछ सकता, ये 8 मार्क्स का कंप्लीट ग्रामर रहता। ये ग्रामर के वास्ते हमें ऑलरेडी नोट्स दे डाली, नसीम अदब बोल को एक नोट्स दी, उसके बाद बीएम के हदीस साहब के नोट्स भी आप तक प्रोवाइड हो चुके हैं, नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह वो भी पीडीएफ में नीचे पीडीएफ में लिख रहता, उसमें लिंक टच करो तुम्हारा वो जवाब मिल जाती है 8 मार्क्स से ग्रामर के।
उसके बाद बचे 10 से 17 काटे 25 हुए हमारे पास है। अब यहाँ पर 5 मार्क्स बचे, ये 5 मार्क्स है तरीके तदरीस, आप उस्ताद होते हुए बच्चों को वो कैसे चीजें सिखाने का या कुछ पैडागॉजी पढ़ सकते हो, जरा पैडागॉजी था उसमें तकरीबन तरीके तदरीस कर बोलती हूँ फर्स्ट लैंग्वेज को, ये फर्स्ट लैंग्वेज को हमें ये 5 मार्क्स से हमें कैसा सिखाते हैं, हमें कैसा पढ़ाना, हो सकता उसमें फाइल के बारे में भी आता, बाद में CWSN के बारे में आता, हो सकता और दूसरे तरीके से मैं पूछेगा अगर नहीं पूछता है यहाँ, ये इंग्लिश में आती है चीजा, यहाँ 5 मार्क्स क्या है तरीके तरीके उस्ताद होते हुए बच्चों को कैसे हैंडल कर लेती तुम्हें, ये पूछिए ये तरीके को 5 मार्क्स आई, ये अब हमें लोग क्या करेंगे तो ये 30 मार्क्स में 10 मार्क्स को ये करिए, हमें पैडा ये करें पैसेज करें, तो पैसेज में हमें क्या करें पूरे 10 मार्क्स का उसमें ढूंढने जा रही, उसमें 10 मार्क्स का मिलता नहीं, 7 से 9 मार्क्स का मिलता, 2 मार्क्स का उन्हें तरीके तदरीस को सवाल पूछ रहता, या तो उसी के वो पैसेज पर मुबनी 2 सवाल पूछता, वो पैसेज को गौर से देख लो पढ़ लो उसके बाद 3 से सॉल्व करने का देखो इंशाल्लाह। दूसरा इंग्लिश का ये उर्दू का पैडागॉजी, इसमें पैडागॉजी तो नहीं रहता, ये कंप्लीट तरीके तदरीस पर मुबनी रहता, ये 30 मार्क्स का मैं तुम्हें बता रही हूँ इंशाल्लाह, ये पूरे सब्जेक्ट पर भी हर 10 या 15 मिनट का एक वीडियो रहता इंशाल्लाह, कल शाम तक पूरे वीडियो अपलोड होते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त मुद्दीवाला गुजारिश है वीडियो को सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करे तो पुराने पूरे वीडियोस तुम्हारा मिल जाती हैं, तुम्हारा पूरी पैडागॉजी मेरे वीडियोस में महफूज है, हो सकता तुम्हारा उसमें क्या भी तकलीफ नहीं होती इंशाल्लाह। इसमें थोड़ा तरमीम है, इसमें एक सवाल दो सवाल आपको ऐसे आ जाते हैं उसका जवाब आपको मालूम रहता अगर कन्फ्यूज करे रहता, क्यों बोले तो इसमें 30% जवाब सही रहता और एक 40% जवाब सही रहता, 40% जवाब सही रहता और एक 20% सही रहता और एक 10% सही रहता, इसमें क्या है जवाब पूरे भी सही छे मगर नजदीकी जवाब सबसे ज्यादा उमदा जवाब कौन सा होता है 40% जिस पर नजर पड़ती है आपकी वो जवाब सही होता है, एक पहली तरमीम। और दूसरी तरमीम क्या है बोले तो ये दिया और ऐसा दिया रहता उससे 3 मानी सेम रहती, एक पानी डिफरेंट रहती, फॉर एग्जाम्पल गुजश्ता साल रकीब का अपोजिट वर्ड पूछा था, नहीं अपोजिट वर्ड पूछा था उसमें क्या दिया हुआ एक दोस्त कर को दिया, आशना कर को दिया, तीसरा है ना रफीक कर को दिया, चौथा है ना फोर्थ दुश्मन कर को दिया। अब यहां पर देखो रफीक तुम्हारी अब तुम ना कंफ्यूज हो रहा, वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग तुम्हें मालूम है यहाँ, तुम्हें क्या करनी रफीक का जो दोस्त खरीदा रही उसका उन्हें पूछ रहा से क्या जिद पूछ रहा उसकी, रफीक की जिद पूछ रहा, ये दोस्त भी रखी पीछे आशना भी रखी ये क्या है मालूम ये तीनों से हम मानी आ रही, इसमें पूछ रहा सोने कौन सा अपोजिट दुश्मन, ये सही जवाब, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड खास करके उर्दू में आता है, एलिमिनेशन में 3 सेम मानी के वो निकाल डालो उन्हें सही जवाब कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं आता ऐसे रखी तो ऐसे क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन रहता हो इसका अपोजिट पूछता रहता उन्हें उस अपोजिट को एक नित्य नया वर्ड दिया रहता, हालांकि उर्दू का ग्रामर जिन्हें पूरा पढ़ा उसे मिल जाता वो, मगर यहाँ पर रफीक का है दुश्मन कर को दिया, तकरीबन बच्चे पूरे क्या करे दोस्त कर करते थे, ये ऐसी गलती ना होने दें, ये 3 वर्ड को एलिमिनेट कर दो, मुझे पूछ रहा था अपोजिट अपोजिट रफीक का दुश्मन दुश्मन लिखी चल ऐसा वर्ड दिया रहता, इसमें अक्सर बच्चे क्या है वो एक या 2 मार्क्स में चले आते हैं, ये एक या 2 मार्क्स में जाना ये क्या नई बात नहीं है पुरानी बात ही है, इसलिए मैं आप लोगों से मुद्दीवाला गुजारिश करता हूँ इसे एलिमिनेशन मेथड में ले लेकर आपको एलिमिनेट करना हो,
वैसा वर्ड कौन सा दिशा को तुमना सेम मानी के पूरे एक तरफ करो, उसमें एक नहीं आया सो उसका हो होता हो सकता 99 वैसा वर्ड कुछ उनको ये करो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।